उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश से मैकाले की शिक्षा नीति को पूरी तरह से खारिज करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार पर शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप है, लेकिन भगवा में क्या गलत है। थॉमस बेविंगटन मैकाले एक ब्रिटिश इतिहासकार थे जिन्होंने भारत में शिक्षा के माध्यम से रूप से अंग्रेजी की शुरुआत में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उपराष्ट्रपति ने हरिद्वार के देव संस्कृति यूनिवर्सिटी में दक्षिण एशियाई शांति और सुलह संस्थान का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि भारतीयों को अपनी औपनिवेशिक मानसिकता छोड़ देनी चाहिए और अपनी भारतीय पहचान पर गर्व करना सीखना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर आए दिन बड़े बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज होने के बाद घाटी पर चर्चा और तेज हो गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू में सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर बड़ा बयान दिया है। गृहमंत्री शाह ने शनिवार को सीआरपीएफ के 43वें स्थापना दिवस पर जम्मू के कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आने वाले सालों में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की जरूरत ना पड़े। गृहमंत्री शाह ने जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के रोल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ ने न सिर्फ घाटी में आतंकवाद से लड़ने में अहम भूमिका निभाई है, बल्कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने का काम भी किया है। सीआरपीएफ ने जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व और नक्सल प्रभावित इलाकों में बेहतरीन काम किया है। मुझे यकीन है कि आने वाले कुछ सालों में इन तीनों क्षेत्रों में सीआरपीएफ की जरूरत नहीं होगी, उसका पूरा श्रेय सीआरपीएफ को ही जाएगा।